हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद द ब्रांड न्यू वीडियो ऑन कंट्री ब्लॉग्स। और अभी लगभग सुबह 10 बजे हैं और आज मैं राइड के लिए जा रहा हूँ माँ मालेश्वर शिव मंदिर। और मेरे साथ जा रहे हैं मेरे कुछ फ्रेंड्स, जिनसे अभी मैं थोड़ी देर में आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और आपसे मिलते हैं बाइक पर। हाय फ्रेंड्स, तो अभी मैं मेरे गाँव अजीतगढ़ के मेन बस स्टॉप पर आ चुका हूँ और ये है मेरे गांव अजीतगढ़ का मेन बस स्टॉप। यहाँ से माँ मालेश्वर शिव मंदिर लगभग 40 किलोमीटर पड़ेगा, तो अपने को यहाँ थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। और वैसे भी जो अपने साथ वाले थोड़े आगे निकल चुके हैं, तो अपने को यहाँ थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि वो सब आगे पेट्रोल पंप पर वेट कर रहे हैं अपना। और फिलहाल अभी मैं अजीतगढ़ से बाहर निकल के पेट्रोल पंप पे पहुंच चुका हूं। यहां पेट्रोल पंप डला के आपसे मिलते हैं दोबारा। पेट्रोल वगैरह डलाकर अभी हम आ चुके हैं मेन सड़क के ऊपर। बारिश का टाइम है इसलिए आपको चारों तरफ इस टाइम पे हरियाली हरियाली देखने को मिलेगी यहां पर। वैसे तो आप सभी लोगों को धन्यवाद जो मेरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि लास्ट राइड जो की थी अपने अलवर ज़िले की, उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए आप सभी को थैंक यू मेरी तरफ से। और सॉरी इस बात के लिए कि उस टाइम पर अपना अलवर ज़िला पूरा कवर नहीं हुआ और अपने को राइड बीच में ही रोकनी पड़ी। लेकिन मैं जल्द ही आप सभी के लिए अलवर ज़िले की बाकी बची हुई राइड, जैसे कि भानगढ़, पांडुपोल और एक दो ज़िले भी बची हुई हैं, उनकी वीडियो में आपके लिए जल्द ही लाऊंगा और साथ में मिलकर इंजॉय करेंगे इनको। यदि किसी को अपने साथ राइड करनी हो तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है, जहाँ पर मैं उसको राइड की पूरी जानकारी दे दूँगा और वो मेरे साथ राइड पर आ सकता है। हमारी फर्स्ट बाइक जो कि आगे निकल चुकी थी, इसके ऊपर मेरे 3 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं अमृतसर के आसपास और यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर और बचा है माँ मालेश्वर धाम, तो अब चलते हैं आगे की ओर। थोड़ी बहुत बातें जो कि मैंने माँ मालेश्वर धाम के बारे में सुन रखी है वो मैं आपको बता देता हूँ। महादेव के इस मंदिर सबसे विशेष बात यह है कि इसमें शिवलिंग सूर्य के हिसाब से अपनी दिशा परिवर्तित करता है, मतलब ये शिवलिंग सूर्य की स्थिति के हिसाब से अपनी दिशा में बदलाव कर लेता है। और महादेव के इस मंदिर की लोकेशन है महारकला गाँव के अंदर, जो कि मुसामोद के पास स्थित है। यदि आप जयपुर साइड से आ रहे हो तो ये जयपुर से लगभग 40 किलोमीटर पड़ता है और अजीतगढ़ साइड से आ रहे हो तो ये अजीतगढ़ से भी लगभग 40 किलोमीटर पड़ता है। और इसके पास जो गांव पड़ेंगे वो है सामोत एक तो, और एक है चोमू। चोमू यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर पड़ेगा। और हम मंदिर के बारे में बात कर रहे थे, तो मंदिर अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच में घाटियों के बीच में स्थित है। और महादेव के मंदिर में जो शिवलिंग है वो हर 6 महीने से सूर्य की स्थिति के हिसाब से अपना जो कि दिशा है वो बदलता है। ये अपनी दिशा सूर्य की गति के हिसाब से बदलता है, मतलब कि सूर्य जिस प्रकार से 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन दिशा की ओर अग्रसर होता है, उसी तरह शिवलिंग भी झुक जाता है। इस चमत्कार के कारण ये मंदिर पूरे देश के अंदर जाना जाता है। और इस मंदिर की दूसरी सबसे मेन बात है कि इसके कुंडों का पानी कभी भी नहीं सूखता, चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो। इतिहास के अंदर इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है कि इसका निर्माण लगभग 1101 ईस्वी में हुआ था, लेकिन जैसे ही मुग़ल भारत के अंदर आए मुग़लों ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद एक राजा हुए जिनका नाम था शस्त्रभाव, उनके द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। जब मुग़लों द्वारा इस मंदिर को तोड़ा गया था उस टाइम पर एक विष्णु भगवान की मूर्ति थी वो भी खंडित हो गई थी, लेकिन उस मूर्ति को आज भी इस मंदिर के अंदर रखा गया है। मतलब भी अपने कह सकते हैं कि इस मंदिर का इतिहास लगभग 1100 साल पुराना है।
अभी हम पहुँच चुके हैं धोली के आसपास। ये सामने आप सामोती पहाड़ियाँ देख सकते हैं, इन्हीं पहाड़ियों के अंदर वीर हनुमान जी का मंदिर है। और अभी लगभग 12 बज चुके हैं तो हम लगभग टाइम पर पहुँच गए हैं। और ये धोली की नदी जहाँ बारिश के टाइम पे इतना पानी आता है कि इसको क्रॉस कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पे। और ये है महारधोली स्टैंड यानी धोली का स्टैंड, यहीं से आपको वीर हनुमान जाने का रास्ता मिलता है। यदि किसी ने वीर हनुमान जी मंदिर ना देखा हो तो अपन ने ऑलरेडी वीर हनुमान जी मंदिर की एक वीडियो बना रखी है, तो वो देख सकता है अपने चैनल के अंदर जाके। और ये है आज की अपनी राइड का पहला टूल टैक्स। और यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर और बचता है माँ मालेश्वर धाम। और यहाँ से महादेव के मंदिर के लिए लेना होगा राइट साइड। ये जो रास्ता है वो जाता है गांव के बाहर से। यदि आप अजीतगढ़ से आ रहे हैं तो आप इस रास्ते से जाइए, और यदि आप जयपुर से आ रहे हैं तो आप गांव के अंदर वाले रास्ते से आइए, क्योंकि आपको वो रास्ता बहुत शॉर्ट पड़ेगा। तो अभी हमने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया था और अभी यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं महादेव के मंदिर की ओर। यहाँ पर चाय वगैरह पी के अभी यहाँ से निकल चुके हैं। और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर पड़ता है माँ मालेश्वर धाम। इस टाइम पे आपको चारों तरफ हरियाली हरियाली नज़र आएगी, क्योंकि इस टाइम पे बारिश काफ़ी हो रही है इधर। और ये आप सामने देख सकते हैं कि ये है अरावली पर्वत श्रृंखला। इन पर्वतों के कारण ही यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और ये आप सामने देख सकते हैं कि एक दरवाज़ा बना हुआ है यहाँ पर। इस गांव का नाम है महारकला। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस गांव के अंदर करण अर्जुन फिल्म की भी शूटिंग हुई थी। और अभी हमें महारकला के मेन मार्केट के अंदर, और ये भी इस गांव की मेन बात है कि इसके अंदर सड़कें वैसे नहीं बनाई गई हैं, यहाँ पर पत्थरों को जमा कर सड़कें बनाई गई हैं। बारिश के टाइम पर इस गांव में इतना पानी आता है कि चारों तरफ पानी पानी बढ़ जाता है यहाँ पर। यहाँ आंकड़ों के हिसाब से बताया जाता है कि लगभग यहाँ पर हर साल 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, अब हम पहुँच गए हैं महामालेश्वर महादेव मंदिर। तो अभी यहाँ पर जल्दी से गाड़ी पार्किंग करते हैं और प्रसाद वगैरह ले कर चलते हैं मंदिर की ओर। तो यह है एक प्राचीन किला जिसका इतिहास लगभग 1100 साल पुराना है, बट वर्तमान में इसको बंद करके रखा गया है। और यह है मंदिर की ओर जाने का रास्ता। और ये आप देख सकते हैं कि मंदिर तीन तरफ से तो अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है और केवल एक तरफ से आने का रास्ता है यहाँ पर। और ये आप सामने देख सकते हैं मंदिर है, और मंदिर के पास में एक झंडा है। यहाँ पीछे एक छोटा सा मार्केट भी था जहाँ पे बच्चों के खिलौने वगैरह भी मिलते हैं। और सबसे मेन चीज़ यहाँ की खड्डी कचौरी सभी जगह प्रसिद्ध है, वो बहुत ही शानदार है। आप जब भी यहाँ आए तो एक बार टेस्ट जरूर करना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से रास्ता जा रहा है और सामने महादेव का टेंपल है, और टेंपल के पास से ही झरना निकलता है। और ये आप देख सकते हैं कि झरना बह रहा है जिसके कारण नीचे तक भी पानी आ रहा है। और यहाँ पास में ही मंदिर के सामने काफ़ी धर्मशाले वगैरह बनाई गई हैं यहाँ पर रहने के लिए। कभी आपको धर्मशाला में रुकना हो तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आकर आपको सुकून और आनंद की अनुभूति होगी। यदि आप इस टाइम बारिश के समय यहाँ पर आते हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है यहाँ पर। और ये आप फिर से देख सकते हैं यहाँ पर आपको चारों तरफ हरियाली हरियाली नज़र आएगी। यदि आपको कुंड वगैरह में नहाना हो तो आप आगे जाके नहा सकते हैं, और आपको मंदिर में जाना हो तो यहाँ से सीढ़ियाँ हैं। और ये है मुख्य मंदिर, आप ये देख सकते हैं। और ये पूरा मंदिर कांच के अंदर बनाया गया है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि विष्णु भगवान की जो मुगलों द्वारा मूर्ति को खंडित कर दिया गया था वो इसी मंदिर के अंदर रखी गई है।
और ये आप सामने देख सकते हैं मंदिर का व्यू। यहीं पर विष्णु भगवान की मूर्ति है और अभी यहाँ से आगे चल के शिवलिंग के दर्शन करते हैं। और ये है शिवलिंग वाले मंदिर के अंदर जाने का रास्ता। और अभी सावन का महीना चल रहा है इसलिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। और ये है देवों के देव महादेव का मंदिर। यही है वो शिवलिंग जो सूर्य की गति के हिसाब से घूमता है। और ये आप एक बार फिर से यहाँ से मंदिर का व्यू देख सकते हैं। और ये आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है, काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। और ये हैं पहाड़ियों के कुछ व्यूज जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और बारिश के टाइम पर इन पहाड़ियों से वो झरना आके इस कुंड के अंदर गिरता है। और इस कुंड की सबसे मेन चीज़ जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यह कुंड कभी भी चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो कभी भी नहीं सूखता है। मतलब कि आप कभी भी यहाँ पे आ जाओ यहाँ पर इसके अंदर पानी आपको मिलेगा ही। बारिश के टाइम पर झरना और तेज़ होता है और ये ऊपर पहाड़ियों से आता है और इस कुंड में आके गिरता है और यहाँ से फिर गाँव के अंदर चला जाता है। और एक बार फिर यहाँ से आप मंदिर के चारों ओर का व्यू देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसे व्यूज़ हैं नेचर के जहां जाके आप फ़ोटो शूट वगैरह कर सकते हैं, वीडियो शूट वगैरह कर सकते हैं और आपकी काफ़ी अच्छी फ़ोटो शूट काफ़ी अच्छी वीडियो शूट होगी वहां पे। अरावली पर्वत के कुछ ऐसे सीन्स हैं जो आपने नहीं देखे होंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अरावली पर्वत श्रृंखला के व्यूज़ को एंजॉय कीजिए। और यदि कोई चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।